हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में 50 जिले होने के बाद 10 संभाग होने के बाद राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से सीमावर्ती जिला कौन सा है। ये मैंने आपको बता दिया था, जयपुर ग्रामीण है, ठीक है, जिसके साथ 10 जिलों की सीमा लगती है। तो वो कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ मैप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से जयपुर ग्रामीण का मैप है और इसी के अंदर ही हमारा दूसरा जो जिला बना है जयपुर से, जयपुर शहर वो है। तो जयपुर से 4 जिले बने हैं, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और दुदू और कोटपुतली। ये 4 जिले किससे बने हैं? जयपुर से बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर चौगरदू हमारा जयपुर ग्रामीण रहेगा और बीच में सेंटर में जयपुर शहर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर्वाधिक सीमावर्ती जिला कौन सा है? जयपुर ग्रामीण है, ठीक है। तो जयपुर ग्रामीण के साथ सबसे ज्यादा जिलों की सीमा लगती है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से जिले हैं वो। तो यहाँ पर पहला जिला तो हमारा जयपुर शहर ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बीच के अंदर है, यहाँ पर सेंटर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 नंबर कोटपुतली बैरोड हो जाएगा, जो कि जयपुर से ही बना है। उसके बाद नीमका थाना हो जाएगा, जो कि सीकर जिले से बना है, नीमका थाना। तो यहाँ पर 3 नंबर क्या हो जाएगा? नीमका थाना। उसके बाद 4 नंबर पर देखिए सीकर, सीकर से नीमका थाना बना है, ठीक है। तो 4 नंबर पर ये सीकर हो जाएगा। उसके बाद डीडवाना कुचामन, ये जिला नागौर से बना है, ठीक है। तो इसके साथ जयपुर ग्रामीण के साथ डीडवाना कुचामन की जो सीमा है वो लगेगी, नागौर की नहीं लगेगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 6 नंबर अजमेर हो जाएगा, ठीक है। अजमेर से भी 2 जिले बने हैं, ब्यावर और केकड़ी। यहाँ पर जयपुर ग्रामीण के साथ अजमेर की सीमा लगेगी। उसके बाद दुदू, जो कि जयपुर से ही जिला बना है, नया जिला बना है, ठीक है। तो यहाँ पर दुदू की सीमा लगेगी किसके साथ? जयपुर ग्रामीण के साथ। उसके बाद टोंक जिले की सीमा लगेगी। तो यहाँ पर 8 नंबर पर क्या हो जाएगा? टोंक। और 7 नंबर पर दुदू हो गया और 8 नंबर पर टोंक। अब बात करते हैं यहाँ पर 9 नंबर पर देखिए दौसा हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर पर क्या हो जाएगा? दौसा जिला हो जाएगा। और 10 नंबर पर हो जाएगा अलवर, ठीक है। 10 नंबर पर क्या हो जाएगा? अलवर। तो यहाँ पर अलवर से भी नया जिला बना है खेरथल, लेकिन खेरथल की जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा नहीं लगेगी, अलवर जिले की सीमा लगेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से 10 जिलों की सीमा लगती है जयपुर ग्रामीण के साथ। सर्वाधिक जिलों से सीमावर्ती जिला कौन सा जिला हो जाएगा? जयपुर ग्रामीण। तो गाइज ये एक छोटी सी वीडियो थी, तो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।